हेलो डियर लर्नर्स, यूपी टेट का एग्ज़ाम आपका फाइनली हो चुका है। सो आज हम लोग उसके आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए हम लोग सबसे पहले सीडीपी के जो आपके 30 क्वेश्चन हैं पेपर वन के, है ना, उसको कंप्लीट करेंगे। और फटाफट से आपको एक काम करना होगा, आप अपने आंसर्स मैच करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपके कितने आंसर्स सही हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम आपका ज़ाया ना करते हुए। और सीडीपी के बाद में आपकी मैथ्स और ईवीएस और बाकी के सब्जेक्ट्स की भी आंसर की आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको वीडियोस के सारे लिंक्स मिल जाते हैं प्रॉपर डेली अपडेट्स के साथ में। तो उस चैनल के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना होगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका था युयुत्सा है। युयुत्सा क्या है? तो युयुत्सा है एक मूल प्रवृत्ति। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका एकदम सही हो जाएगा। रुकिए, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं कौन कौन से? शारीरिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, आर्थिक तत्व या फिर वंशानुगत तत्व? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। क्वेश्चन नंबर थ्री है आपका, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम या फिर कल्पना और संवेगात्मक विकास के संबंध का नियम? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनियमित विकास का नियम। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास का सिद्धांत नहीं पूछा गया था क्वेश्चन में, दैट्स वाई यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख लीजिए आपका क्या है, कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया था? तो ये कथन था आपका हार्डलॉक का। फिर इसी के साथ में देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है आपका, कि कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम जानवरों में मनुष्य से श्रेष्ठ है, एक स्वतंत्र क्रिया है, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है या फिर मानव का अधिगम प्रयोजन पूर्ण है? तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ क्या है, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया? किलपैट्रिक, हर्बर्ट, जॉन ड्यूई या फिर ब्लूम? तो सेवन्थ का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट ने। क्वेश्चन नंबर एट्थ देखिए क्या है, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? क्वेश्चन नंबर एट्थ का यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैनन ने की है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका था? तो यह कथन था आपका क्रो और क्रो का। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर टेंथ देखिए क्या है, बी एफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुकरण एवं प्रबलन के स्वरूप फलस्वरूप। अब देखो हम चारों आंसर नहीं पढ़ रहे हैं आपको, क्योंकि अभी आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर मैच करना है, इसलिए जो करेक्ट आंसर है हम सिर्फ आपको वही वही बता रहे हैं। ठीक है, फटाफट से लाइक कर दीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, जिसमें आपके अलावा और भी बच्चे मैच कर पाएँ। शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स तक। ठीक है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से डैश ने वर्गीकृत किया है, तो किसने किया था आपका? तो ये किया था मैकडूगल ने। इसी के साथ में चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ क्या है, कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? मन का, रॉज का, डम्बल का या फिर मैकडूगल का? तो किसका है? ये डम्बल का। क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्या है, निम्नलिखित में किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा है हुआ है, बताइए, रॉस का, गाल्टन का, क्रोवा क्रो का या फिर वुडवर्ड का? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाल्टन का। इसी के साथ में देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्या है, 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? आर्मी अल्फा टेस्ट, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण या फिर चित्रांगन परीक्षण? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, यानी 30 में से 15 क्वेश्चन अब आप कर चुके हैं फाइनली। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया है? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन ने किया है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो प्रत्यक्षीकरण कहलाता है, ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। सीखने के प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था आपके थॉर्नडाइक जी ने, है ना। जल्दी आपके 30 क्वेश्चन इसके कंप्लीट होने वाले हैं, और 30 में से किसके कितने सही हुए ये आप कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा, है ना। ऐसा आपको सारे वीडियोस में करना है, सारे एक एक करके आपको मैच करने हैं। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 90 से 109 होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए,
क्या है कि निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे, तो कौन थे आपके, केटल थे। इसके बाद में क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत प्रतिपादन किया, तो किसने किया था ये आपका, स्किनर ने किया था। ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो ये है आपका परीक्षण निर्माण का महत्वपूर्ण घटक। विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दिया था, तो किसने दिया था, पियाजे ने। MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन से किया जाता है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन सी, व्यक्तित्व। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 25, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये तो आप हमेशा से ही पढ़ते आ रहे हैं कि शैशव काल का समय क्या है, तो शैशव काल का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जन्म से 2 वर्ष तक। 26वां क्वेश्चन है आपका, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित थे, तो कोहलर संबंधित थे आपके अधिगम के सिद्धांत से, न कि व्यक्तित्व विकास और अभिप्रेरणा के सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है 12, 14, 15 या फिर 10, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 14। फिर क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है, बताइए, तो किया जाता है आपके ये समस्या समाधान के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। इसी के साथ में देखिए क्वेश्चन नंबर 29 और फिर लास्ट आज का आपका अंतिम प्रश्न 30, 29 और 30, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर या फिर कोहलर, तो 29 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पावलोव ने। और उसके बाद मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक है, तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, सृजनात्मकता के। तो देखिए ये थे हमारे CDP के 30 प्रश्न, सो इन CDP के 30 प्रश्नों में किसके कितने सही हुए फटाफट से बता दीजिएगा। यदि आज आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा और ये आंसर की आप लोगों को शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना होगा, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके 30 में से कितने मार्क्स आए हैं। तो थैंक यू एंड मीट अप विद यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।